أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. और दे दो यतीमों को उनके माल, और न तबादला करो रद्दी का आला के साथ, और न खाओ उनके माल अपने मालों के साथ मिलाकर। बेशक यतीमों का माल खाना बहुत बड़ा गुनाह है। ये बात आप हजरात मुसलसल हम अपने दर्स में बयान कर रहे हैं कि सूरत उन्निसा का खुलासा, दावा और मरकजी मजमून और मसला क्या है? इस्लाह है। ये साथ साथ बोला करें, इससे चीज जो है वो याद हो जाती है। इस्लाह है मुआशरा। और जो सूरत उन्निसा का पहला रुकू है, इस रुकू का उन्वान क्या है? अपने घर में नाजायज माल की आमद को रोकना। अब सबसे पहले इस आयत मुबारका का रब्त देखें जी। रब्त ये है कि पिछली आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस्लाह मुआशरा की जो कुंजी है, चाबी है, वो है तकवा। दो मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसका हुक्म दिया है। और कता रहमी से अपने आप को बचाना, इसका भी हुक्म आ चुका है। अब इस्लाह मुआशरा के लिए अहकामात की तफसील शुरू हो रही है, जिनमें से पहला हुक्म अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यतीमों के बारे में जारी फरमाया है। इसलिए कि इस्लाम के आने से पहले ये ऐसा तबका था जो अपनों ही के हाथों से जलीलो खुआर हो रहा था, जो अपनों ही के हाथों से मुआशरे में क्या हो रहा था? जलीलो खुआर हो रहा था। अब यहां पर मुफस्सरीन ने ये बात भी जिक्र फरमाई है कि सूरत का उन्वान तो है सूरत उन्निसा, मगर जब अहकामात की तफसील परवरदिगार ने शुरू फरमाई तो पहले औरतों के बारे में खास मसाइल का बयान नहीं किया, बल्कि पहला हुक्म जो आया इस सूरत में तो वो किन के बारे में आ गया? यतीमों के बारे में। क्यों? इसलिए कि मुआशरे के अंदर जब एक छोटा बच्चा होता है, उसके वालिदैन होते हैं, उसका वालिद उसके बारे में जो तगोदौ करता है, जो कोशिश करता है उसकी तालीम के लिए, उसकी तरबियत के लिए, उसकी अफजाइश के लिए, और उसकी रिहाइश बनाने के लिए, और उसकी दुनियावी तरक्की के लिए, जब उसका वालिद फौत हो जाता है और फिर वो बच्चा होता है छोटा, तो वो बेसहारा हो जाता है। वो क्या हो जाता है? बेसहारा हो जाता है। वो अपने फिर बड़ों के रहमो करम के ऊपर चला जाता है, वो बेसरो समान होता है,
उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता, वो बिल्कुल लाचार हो जाता है, बेकस और मजबूर हो जाता है, फिर वो अपने खाने पीने की चीज़ों तक भी दूसरों का क्या हो जाता है, मोहताज होता है। जिस तरह आप जितने साहिब औलाद हैं वो इस बात को समझ सकते हैं कि औलाद जिस तरह अपने वालिदैन से चीज़ों का मुतालबा करती है तो दूसरे लोग जो हैं उनके सामने इस किस्म का मुतालबा हो सकता नहीं है। तो ये लोग चूँकि मुआशरे में छोटे होते हैं और फिर बेबस हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, इनके सरपरस्त चले जाते हैं, ये दूसरों के रहम व करम पर होते हैं, तो मुआशरे के बाकी लोगों की बनिस्बत ये शफकत के और मोहब्बत और प्यार के क्या होते हैं, ज़्यादा मुस्तहिक होते हैं। इस वजह से परवरदिगार ने मुआशरे के अफराद में से सबसे पहले जिनके हुकूक का तज़किरा किया है वो कौन है, यतीम है। और दूसरी जो है, आप हज़रात ने सूरत आले इमरान सुनी, उसमें आप सुन चुके हैं कि ग़ज़वा उहद के अंदर तकरीबन 70 सहाबाए किराम क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। अब जो सहाबाए किराम शहीद हो गए उनके बच्चे पीछे क्या रह गए, यतीम रह गए। अब क्योंकि सहाबाए किराम के लिए पहली मर्तबा इतना बड़ा मसला बन गया था कि 70 अफराद के जनाजे उठाने पड़े, फिर उनके बच्चे पीछे मुआशरे में क्या हो गए, यतीम हो गए, तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके बाद जो मुत्तसिल सूरत नाजिल फरमाई तो उसमें यतीमों के अहवाल का जिक्र फरमाया कि यतीमों के साथ किस किस्म का रवैया, किस किस्म का हुस्न सलूक करना है और किस किस्म की बदसलूकी से क्या करना है भाई, बचना है। समझ आएगी जनाब? इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहला जो हुक्म दिया है इस्लाह मुआशरा में वो कौन है, मुआशरे के यतीम बच्चे और बच्चियाँ हैं। समझे कि जनाब, इनका पहला हुक्म है कि इनके साथ ख़ास तौर पर मुआशरे में उसने सलूक करना है। बाकी लोगों को भी हुक्म है लेकिन ख़ास तौर पर जो इनके मुतवल्ली बने, जो इनके सरपरस्त बने, उनको ख़ास तौर पर इस आयत मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तीन हुक्म इरशाद फरमाए हैं। तर्जमा फिर सुने, फरमाया वआतुल यतामा अमवालहुम, और दे दो यतीमों को उनके माल। पहला हुक्म, दे दो यतीमों को उनके माल। तर्जमा सुन लें ताकि बात फिर समझ में आ सके। नंबर दो, वला ततबद्दलुल खबीथ बित्तय्यिब, ये यतीमों के माल को खाने के जो हीले होते हैं, जो बहाने होते हैं, वो इस आयत में दो जिक्र किए गए हैं। एक तो ये है कि यतीम का माल जो है वो ज़रा आला किस्म का है, उसका जो प्लाट है जिस जगह के ऊपर है वो बड़े अच्छी उसकी लोकेशन है जनाबे वाला, और जो अपना प्लाट अपने हिस्से के अंदर आया है वो भी बड़ा कीमती है, लेकिन उसकी वो लोकेशन और वो कदरों कीमत नहीं जो यतीम के क्या है भाई, प्लाट की है। इसी तरह यतीम के जो जान, यतीम का जो जानवरों की सूरत में सामान है, तो गिनती का आदत तो लोग पूरा कर देते थे लेकिन यतीम का जो आला किस्म का माल होता था उसका तबादला कर देते थे किसके साथ, रद्दी माल के साथ। ये यतीम के माल को खाने का एक हीला और बहाना करते थे कि देखो भाई यतीम के, देखो उसका वालिद गया, 10 जानवर थे, देखो हमने 10 जानवर ही उसको दे दिए, उसकी इतनी दुकानें थी, इतनी दुकानें दे दी हैं, इतने प्लाट थे, इतनी प्लाट दे दिए, लेकिन जो आला किस्म के होते थे वो खुद रख जाते थे और गिनती का आदत पूरा करने के लिए खबीस यानी कि रद्दी जो हिस्सा होता था जिसकी वो कदरों कीमत नहीं होती थी जो असल की थी, तो वो उनको क्या कर देते थे, दे देते थे और कहते थे देखो हमने तो गिनती क्या कर दी है भाई, पूरी कर दी है। और दूसरा बड़ा हीला क्या था कि ला ताकुलु अम्वालहुम इला अम्वालिकुम, फरमाया कि अपने मालों के साथ मिलाकर भी उनके मालों को खाना नहीं है। कब देखो ना, यतीम का माल है वैसे नहीं खा सकते, चलो भाई ठीक है भाई आपने हमारे पास रहना है, आपने भी खाना है, अब आपके लिए हम अलहदा किस तरह पकाएं, किस तरह इंतज़ाम करें, तो वो उसको साथ मिला लेते थे। मकसद क्या होता था कि यतीम का माल ज़्यादा इस्तेमाल हो जाएगा और हमारा माल क्या है भाई, बच जाएगा। तो यतीम के माल को खाने के तीन तरीके थे, एक तो ये है कि बिल्कुल ना देना, और दूसरा ये है कि रद्दी का आला के साथ क्या कर देना, तबादला कर देना, और तीसरा ये है कि अपने साथ शामिल कर लेना, और मकसद क्या होना कि इसके ज़रिए से इनका माल भी हम क्या कर जाएंगे, खा जाएंगे, और इनके बड़े होने तक ऐसा ऐसा इनका माल क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। समझ आएगी जनाब? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन्नहु काना हुबन कबीरा, बेशक यतीम का माल खाना
शूबन कबीरा, ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये क्या है? बहुत बड़ा गुनाह है। समझेगी जनाब? अब देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया यतीम का माल खाना नहीं है, यतीम का माल खाना नहीं है जनाबे वाला। ये जिस तरह हमारे उर्फ के अंदर ये खाने का इतलाक जो होता है ना, किसी का जो माल खा जाना होता है, उसका इतलाक सिर्फ इस पर नहीं होता कि उससे रोटी ले ली, सालन ले लिया, फरूट ले लिए और उसको खा गया, नहीं। माल खाने का इतलाक हमारे उर्फ में भी इसी तरह होता है, अरब मुआशरे में भी इसी तरह था। कोई किसी की जमीन दबा जाए तो क्या कहते हैं? हमारा माल क्या कर गया भाई? खा गया। समझ आएगी जनाब? हमारा हक खा गया जनाबे वाला। और उन पैसों के जरिए से, यतीम के माल के जरिए से रकबा खरीद ले, यतीम को कुछ ना मिले, फिर भी हमारे मुआशरे में क्या कहते हैं? हमारा माल क्या कर गया है भाई? खा गया। हालांकि उसने खाया तो नहीं है, उसने तो उसके जरिए से गाड़ी खरीदी है, उसने उसके जरिए से रकबा खरीदा है, उसने उसके जरिए से कारोबार बनाया है। तो उर्फ़ आम के अंदर यतीम का जो माल होता है या किसी का भी जो हक दबाना होता है, उस सब के ऊपर इसका इतलाक होता है कि अगर कोई किसी के माल को किसी भी तरीके से दबा जाए तो उर्फ़ आम में यही लफ्ज़ बोला जाता है कि हमारा माल क्या कर गया है? आ गया। समझेंगे? इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है कि ला ताकुलू अम्वालहुम इला अम्वालिकुम, कि अपने मालों के साथ मिलाकर भी उनके मालों को खाना नहीं। क्यों? इन्नहु काना हुबन कबीरा, इसलिए कि यतीम का माल खाना ये क्या है? बहुत बड़ा गुनाह है। समझेंगे? तो इस आयत मुबारक का खुलासा अर्ज कर दूं, खुलासा क्या निकला कि तीन हुक्म है। पहला हुक्म ये है कि कुल माल खाने की इजाजत नहीं है, उनका माल उनको क्या करना है? वापस करना है। समझ आएगी? और इससे क्या समझ में आ रही है कि ऊपर बूहे ते लेके आवेन ता देवना ना। क्यों जी? बिरादरी के बंदे लेके आवेन यार, इन्हें आखो जेड़ा कोई साडा हिस्सा बनता है। समझ आएगी? मिसाल के तौर पे बाप फौत हो गया, बड़े भाई सरपरस्त बन गए, छोटे भाई पीछे क्या बन गए भाई? यतीम बन गए। बाप चला गया, बड़े भाई नहीं है, सारे छोटे छोटे हैं, चाचा सरपरस्त बन गया, मामू सरपरस्त बन गया। तो कुरान क्या कह रहे हैं यतीम के वलियों को कि जब वो तुम्हारे पास अपने रिश्तेदारों को ले आए, जब तुम्हारे ऊपर केस कर दें, जब तुम्हारे खिलाफ आवाज उठाएं, तो फिर उनका माल उनको दे दो। क्यों जी? या उनके मुतालबे के बगैर जब वो बालिग हो जाएं, समझदार हो जाएं, खुद ब खुद उनका माल उनके क्या कर दो। इसलिए मैं बातें करता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। कुरान मजीद के इस हुक्म का ये मतलब नहीं है कि भाई जब वो मुतालबा करें और आदमी खुद देखता रहे, ये यतीम का जो वली और सरपरस्त है उसकी जिम्मेदारी है, वो खुद देखता रहे कि अब ये बच्चा बालिग हो गया। कुरान मजीद में आगे ये अल्फाज आए हैं कि यतीम को यतीमों की आजमाइश करते रहो, वब्तलुल यतामा, और उनकी आजमाइश करते रहो, हत्ता इदा बलगुन निकाह, हत्ता के वो पहुंच जाए किसको? निकाह की उम्र को, यानी बालिग हो जाए। फइन आनस्तुम मिनहुम रुश्दन, जब तुम उनमें से महसूस करो कि माशाल्लाह समझदार हो गया है, होशियार हो गया है और बेहतर हो गया है, उसको चीज़ें ले देने के लिए भेजते रहो, ये ले आओ, ये ले आओ, फला काम करो, फला, पैसों के जरिए से उसकी आजमाइश करते रहो, जब तुम्हें महसूस हो जाए कि अब ये तगड़ा हो गया है, फदफाउ इलैहिम अम्वालहुम, फिर उनका माल उनके क्या कर दो?